हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। मैं सूरज। आज हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले जो है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, और डीपली से ये भी डिस्कस करेंगे कि माइक्रोमीटर आवश्यक किसने किया। हम सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। सबसे पहले लोग ये जानेंगे माइक्रोमीटर का नाम माइक्रोमीटर क्यों रखा गया है ना, उसमें कुछ रीजन होंगे, या फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि भने के लिए माइक्रोमीटर सबसे ज़्यादा एक कौन मेजर कर सकता है, या हम ये भी जानेंगे कि माइक्रोमीटर को ब्रिटिश सिस्टम में किस टाइप से रेंज में मिलता है या फिर पाया जाता है, वो भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि माइक्रोमीटर है क्या, इसका नामांकन क्यों किया गया है। जैसे कि आपको नाम से मालूम चल रहा हो कि माइक्रोमीटर दो शब्द से मिलकर बना होता है, माइक्रोमीटर क्या, माइक्रो जैसे देख पा रहे हैं माइक्रो प्लस मीटर। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, या फिर इसमें क्या बोलते हैं बारीक, और मीटर का मतलब क्या होता है मापना। अर्थात ओवर ऑल क्या है कि माइक्रोमीटर नामांकन इसलिए पड़ा क्योंकि जहां भी हम सूक्ष्म है तो स्वभाव से बात है कि जैसा जो भी आदमी खोज करता वो अपने ही नाम पे उसका नामकरण भी करता है। उस टाइम क्या रखा गया माइक्रोमीटर नाम, क्या था जीन पालमर माइक्रोमीटर, क्या जीन पालमर माइक्रोमीटर। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन्होंने ही खोज के बाद वहाँ पे स्टॉप हो गया, नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे देश जो थे पेरिस अमेरिका के वैज्ञानिक भी उन्होंने क्या किया मॉडिफाई इनको करते रहे, जो इनमें कमियाँ थी त्रुटियाँ थी वो क्या करते उनको दूर करते गए। तो जब उसके बाद जो है 1867 ईस्वी में पेरिस के वैज्ञानिक जो थे क्या उन्होंने इनका फिर मॉडिफाई करते गए, जे आर ब्राउन जो नाम है इनका जे आर ब्राउन, उन्होंने भी इस माइक्रोमीटर का क्या मॉडिफाई करने लगे। उसके बाद यहाँ जब बात नहीं हुआ, उसके बाद जब जो है 1885 क्या जो है अमेरिका के वैज्ञानिक जो थे ये साथ में उन्होंने भी क्या क्या मॉडिफाई किया गया, लेकिन ओवरऑल जो था जब इन्होंने भी अपना प्रोडक्शन मतलब बिहाइंड इस तरह से हम लोग इस माइक्रोमीटर का क्या मॉडिफाई किया गया, तो क्या था मिलता जुलता माइक्रोमीटर था, इससे मिलता जुलता माइक्रोमीटर था जो ये बनाया था जीन पालमर जो बनाया था उनसे क्या था मिलता जुलता माइक्रोमीटर बन के आ गया। तो इसी लिए हम लोग क्या कहते हैं आधुनिक माइक्रोमीटर जो बना है उस कौन बनाया है जीन पालमर, है ना। ये वैज्ञानिक भी थे, इन्होंने बहुत सारे अच्छे कोशिश किए उसमें मॉडिफाई किया गया, जैसे लेटेस्ट स्टॉक फ्रेम वो भी अच्छे तरह से उसको मॉडिफाई किए, लेकिन वो सब था ही नहीं, है ना। जो क्या था जीन पालमर माइक्रोमीटर खोज किए उन्हीं से वो क्या था मिलता जुलता था। जैसे हम लोग जानते हैं तो इस तरह से क्या माइक्रोमीटर का निर्माण किया गया। अब देख सकते हैं 1848 में जो स्टार्ट हुआ था बनना माइक्रोमीटर जाके कहाँ पर बना 1885, है ना। इतने साल बन गए थे इसको मॉडिफाई करने में माइक्रोमीटर, तब जाके क्या करते हैं इसको आज इजिली यूज कर सकते हैं। लेकिन यही भी नहीं रुका, जैसा हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ा उसके अनुसार हम लोग उसको और मॉडिफाई करते गए। जैसे कि अब जो माइक्रोमीटर आप यूज करते हैं क्या वर्नियर माइक्रोमीटर। जैसा हम लोग जानते हैं कि वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं बहुत ही सूक्ष्म मतलब 0.001 तक चेक कर सकते हैं। इस तरह से क्या क्या माइक्रोमीटर का निर्माण हुआ, वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा भी हम लोग जो है 0.01
एमएम की क्या इक्विस तक चेक कर सकते, लेकिन जो जनरल जो हम माइक्रोमीटर है वो क्या है माइक्रोमीटर दो सिस्टम मिलते हैं मेट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में, दोनों सिस्टम हम यूज करते हैं। मेट्रिक सिस्टम से जो सिस्टम होता है 0.01 एमएम और ब्रिटिश सिस्टम जो होता है 0.01 इंच। लेकिन यदि माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर में रहा, माइक्रोमीटर आगे क्या अगर वर्नियर माइक्रोमीटर इंक्लूड रहा तो वहां पे एक शून्य क्या हो जाएगा इंक्लूड हो जाएगा, मतलब हजारवां भाग है ना 0.001 एमएम प्रति इंच हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जैसे हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर है ना, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कौन देता है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर जो है इसके द्वारा 0.02 एमएम तक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, एक्यूरेसी हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि माइक्रोमीटर जो है मेट्रिक सिस्टम 0.01 एमएम हम लोग उसका चेक कर सकते हैं। तो किस तरह हम चेक कर, सपोज मान के चलते ये जो है 100 में अगर 100 का मेजरमेंट कीजिएगा तो उसमें जो वर्नियर कैलिपर के द्वारा क्या दो गलती मिलेगा आपको, वहीं पे अगर हम लोग चेक करते हैं 100 तो वहां पे क्या हम लोग एक गलती मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग जो जानते हैं समझ पाते हैं कि वर्नियर कैलिपर से ज्यादा कौन एक्यूरेसी देता है, माइक्रोमीटर देता है ना, दिक्कत तो नहीं है। हम लोग बहुत सारा माइक्रोमीटर यूज करते हैं जो हम आपको बताने वाले, जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, फ्लैट टाइप माइक्रोमीटर, जितने भी टाइप्स के माइक्रोमीटर हैं सारे माइक्रोमीटर टाइप्स हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक सब मिलिंग का मान कितना होता है 0.5 एमएम और एक थिंबल डिवीजन का मान कितना 0.01 एमएम। ये किस तरह से होता है, कैसे होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो आज लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। जनरली हम लोग माइक्रोमीटर यूज करते हैं, पहला जेनरल हम लोग यूज करते हैं वर्कशॉप में, आउटसाइड माइक्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं है ना। हम लोग एक स्पेशल वीडियो डिस्कस करेंगे उस पर, कौन है ऐसा माइक्रोमीटर है जिसमें थिंबल और स्लीव ये जो गैसेट जो होता है वो क्या विपरीत दिशा में होता है, उसका आंसर क्या होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर। ऐसे ये क्वेश्चन पूछता है और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि डेप्थ माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी या एरर हम लोग चेक करने में किसका प्रयोग करते हैं, सरफेस प्लेट। ये काफी बार एग्जाम पूछा जा चुका है, जब हम आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है इनसाइड माइक्रोमीटर पूछता है। यहाँ से क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनसाइड माइक्रोमीटर का जो एक्यूरेसी हम किसके द्वारा चेक करते हैं, तो इनसाइड माइक्रोमीटर का जो एक्यूरेसी या फिर एरर है उसे हम किससे चेक कर सकते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं चेक करते हैं क्या इनसाइड माइक्रोमीटर है ना। तो नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कस करेंगे ट्यूब माइक्रोमीटर जो है इसका प्रयोग हम लोग ट्यूब
एंड पाइप की सीट को थिकनेस को चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ट्यूब माइक्रोमीटर का यूज हम लोग कहां पे करते हैं? ट्यूब एंड पाइप या फिर सीट की थिकनेस को हम चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ट्यूब माइक्रोमीटर का हम यूज करते हैं, है ना। इसके द्वारा मिनिमम 2 mm डैश तक के मापा जा सकता है। इससे इसके द्वारा कितना 2 mm वाले व्यास कम से कम मापा जा सकता है। फ्लैंज टाइप माइक्रोमीटर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं गियर की थिकनेस मतलब कोऑर्डिनेट थिकनेस या गियर के टीथ की मोटाई को हम लोग चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं फ्लैंज टाइप माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, है ना। बिकॉज हम लोग जनरली बहुत सारे और भी माइक्रोमीटर जिसका हम लोग यूज करते हैं वो एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस करें कि आउटर माइक्रोमीटर क्या है, किस धातु का बना हुआ है, पार्ट्स क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर हम कहां का यूज करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन वो हम लोग मतलब ओवरऑल क्या है, तो एक हम लोग ऐसा स्पेशल वीडियो डिस्कस करेंगे ओनली आउटर माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर और ट्यूब माइक्रोमीटर या फिर फ्लैंज टाइप माइक्रोमीटर डिस्कस करें। यहां आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दिए कि यहां से ये क्वेश्चन बने जा सकते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे आप लोग भी जानते होंगे कि माइक्रोमीटर सिद्धांत पर कार्य करता है नट एंड बोल्ट सिद्धांत पर कार्य करता है ना। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नट एंड बोल्ट। इसका जो रेंज होता है मेट्रिक एंड ब्रिटिश दो सिस्टम हम लोग पाते हैं, जिस सिद्धांत पर कार्य करता है क्या, जैसे आप लोग भी जानते हैं नट एंड बोल्ट। नेक्स्ट में हम जानेंगे कि नट बोल्ट पे क्यों कार्य करता है, हां। और उसके बाद काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वेज, ये जो होता है ब्रिटिश सिस्टम में पाया जाता है और मैट्रिक सिस्टम में पाया जाता है। तो मैट्रिक सिस्टम में सर आप जानते होंगे कि ये 25 के रेंज में मिलते हैं, 0 से 25, 25 से 50, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 इस टाइप में कितना 150 तक ये मिलते हैं इसमें मैट्रिक सिस्टम में। और ब्रिटिश सिस्टम क्या मिलते हैं 0 इंच से 1 इंच, 1 इंच से 2 इंच, है ना। 10 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, 3 से 5 से 6 इंच, 5 से 6 इंच, उसके बाद 12 से 16 या फिर 16 से 20 या फिर 20 से 24 इंच के रेंज में ये पाया जाता है माइक्रोमीटर, है ना। दिक्कत तो नहीं है, ये ओवरऑल जो हम आपको बता दिए एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस करेंगे ओनली फॉर माइक्रोमीटर, पार्ट्स के बारे में किस धातु को बनाए जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा हम स्कूल में सीखे कि माइक्रोमीटर का नामकरण किया गया, माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है, इसका खोज कहाँ कहाँ के वैज्ञानिक किस किस विषय में खोज किया गया, इसके द्वारा हम कि मिनिमम कितना इक्विस्टर हम लोग चेक कर सकते हैं और किस किस टाइप्स का प्रयोग हम लोग कहाँ का यूज करते हैं, जितने भी हम टाइप्स आपको बताए टाइप्स इन साइड डेप्थ माइक्रोमीटर वो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है वो हम आपको बता दें। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।